ईटेक में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है कि हम अब उस सेगमेंट में आपको ले जाएं जहां हम आपको दिखाने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स ने खुद बनाए अपनी इनोवेशन अपनी क्रिएटिविटी से। चल के देखते हैं ई प्रोजेक्ट। वेलकम टू ई प्रोजेक्ट। ना पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने जो है सर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का एक फाइनल प्रोजेक्ट जो है रिव्यू किया था। आज हम एक बार फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हैं और मेरे साथ यहाँ फैजान सलीम साहब जो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अस्सलाम फैजान साहब, ये शहबाज दी रूम ट्रेंच। हाँ, बेसिकली हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बेसिकली पूरा प्लेन भी डिजाइन खुद किया है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट भी खुद डिजाइन की हुई है, जिसका बेसिक पर्पज ये है कि किसी भी रिमोट जो नॉर्मली ड्रोन आजकल प्लेन होते हैं उसी बेसिक आइडिया के ऊपर प्लेन डिजाइन किया गया है। बेसिकली इट इज इक्विप्ड विद RF GPS और जिसकी वजह से आप किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स को मॉनिटर करके वहाँ पर कोई भी मतलब, क्योंकि इसके अंदर RF है तो अगर इसको थोड़ा और मजीद आगे ले जाए तो किसी भी रिमोट लोकेशन से बैठ के जो है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है स्टेशन के थ्रू। तो देन वायरलेस कैमरा इंस्टॉल किया हुआ हमने, किसी भी पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन के हम पिक्चर्स वगैरह वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, मैं अरसलान अली हारिस असद कमाल। मुझे बताइए कि ये उन एयरक्राफ्ट से डिफरेंट क्यों है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा हैंड मेड है। ओके, स्टार्ट टू एंड एक एक चीज हैंड मेड है। सेकेंडली जो हॉबीज के पास होते हैं उनके पास किट मौजूद होती हैं, वो रेडी टू फ्लाई किट कहलाती हैं, उनको असेंबल करना होता है, दैट्स इट। ये प्लेन हमारा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ DVSC और कुछ हमें अपने भी इसके अंदर सर्किट भी इम्प्लीमेंट करनी थी ऑब्वियसली, तो उसके हिसाब से इस हद तक केपेबल रखा था ऐसे कि ये ब्रेक कैरी करके जा सके। ये एरोबिक्स करने के बजाय इसका मेन पर्पस ये है कि ये वेट डिप्लॉय करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड क्या काम किया हमने इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिकली हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इसके अंदर किया है GPS बेस्ड हमें एक लोकेशन मिल रही है इसकी, हमने पूरा एक सर्किट इम्प्लीमेंट किया इसके अंदर। मतलब इसके अंदर ऐसा खुद का ट्रैकर है जहां जाएगा वहां से इसकी लोकेशन पता चल जाएगी। बिल्कुल, जिस जिस जगह पे भी जा रहा होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और इवन अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास सैटेलाइट व्यू भी आ रहा होता है उसका पूरा का पूरा लैपटॉप के ऊपर आपके बेस स्टेशन से, जहां भी आपका बेस स्टेशन होगा वहां पे। इसके अलावा सेंसर्स जो इसके अंदर हमने प्लेन के अंदर लगाए हुए हैं वो इस उनका सारा डेटा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, वो सारा माइक्रो कंट्रोलर उसको रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है वायरलेसली। अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट की, मतलब पर्पस बिल्ट है, तो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल एप्लीकेशन या कोई ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशन हो तो उसके अंदर ये किस तरह काम आ सकता है? या तो ऐसे इसका कोई बड़ा वर्जन बनेगा या यही जो है इसी को थोड़ा मॉड करके या कोई इसकी नई ब्रीड निकाल के, अगर इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसके लिए अभी तो ये RF फ्रिक्वेंसी से काम कर रहा है या इवन ब्लूटूथ पे भी हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है, ब्लूटूथ के ऊपर भी वर्क करता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज जो की जा सकती है हम GSM के जरिए वाइल्ड बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस दुनिया के किसी एक कोने के अंदर जो है इसका पायलट बैठा हुआ, दूसरे कोने के अंदर जहाज और वहीं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल जी, प्रीटी मच लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, इस वक्त इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, फिर नीचे जो है आपकी बेस के अंदर एक तरह की कार्गो बे बनी हुई है, फिर क्या क्या चीजें इसमें? अच्छा, इस वक्त इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है, ये साइड पे दो वेट कैरियर्स हैं हमारे, पेलोड कहते हैं हमने अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, दो पेलोड कैरी करने की इसके अंदर कैपेसिटी है ईच 3 pounds। ओके, इसके बीच में यहाँ से एक बॉक्स ओपन हो सकता है जिसके अंदर मजीद और कार्गो पेलोड जो है जा सकता है। हाँ, वो भी 6 pounds कैरी कर सकता है टोटल। ये तो मैक्सिमम हम देख सकते हैं 3+3+6 12 pounds का वेट, या हम इसको कलेक्टिवली 9 pounds तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर लेके जाए या ना जाए हमने कभी टेस्ट नहीं किया, हमने 9 pounds तक टेस्ट किया हुआ, 9 pounds तक ये लेके जाता है इजीली इसी मॉड्यूल पर। अच्छा, कोई सेंसर या कंट्रोलर जो इसके अंदर लगे हुए? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा वायरलेस लगा हुआ है हमारा, इसके जरिए हम वायरलेस वीडियो देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड, हमारे हेडक्वार्टर जहाँ भी होंगे लाइव वीडियो होगी। अच्छा, और ये जो है जॉग भी कर सकते हैं, मतलब इसको मूव भी कर सकते हैं? Yes, बिल्कुल, हम इसके मूवमेंट फ्रंट और बैक दो तरफ 180 डिग्री रोटेशन है, 360 नहीं है। ओके, फ्रंट से लेकर बैक तक पूरा का पूरा इसका व्यू देखा जा सकता है।
जितना आप लोगों ने हमें देखा आके अप्रिशिएट किया, इतना हम चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करे। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ कैपेबल हैं, इंजीनियर यहाँ पे कैपेबल हैं, होना ये चाहिए कि हमें अप्रोच किया जाए, हमारी फाइनेंशियल लिमिटेशन को कम किया जाए। थैंक यू वजीर सुल्तान। All right then viewers, I hope आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए। आई मीन आई कम्प्लीटली लव देम। स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से इतना कुछ बनाया था। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट थिंग डन बाय देम। मगर इसी के साथ वक्त है उस सेगमेंट का जहां हम आपको ले जाते हैं डायरेक्टली मार्केट में और देते हैं आपको बाइंग टिप्स और बाइंग गाइडलाइंस। लेट्स गो एंड सी ई बाय।